गाड़ी आती है 27 लाख रुपए की। सॉक्स पहनाऊंगा मैं, फिर ये थैली है, उसके ये मासी हो गई, ये लैपटॉप हो गया। ओहो इधर गर्म पानी आ रहा है, तो मैं ऊपर जाके आता हूँ भाई। देखो इधर तो नहीं जा सकता मैं ऊपर जाकर के आता हूँ, वहाँ पे है जेंट्स के लिए। तो जब भी आप आते हो तो इन चीजों को यहाँ पे सूर्य वगैरह टोटल मतलब फैसिलिटीज बहुत कर रखी है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, तो चीजें अच्छी हैं, आप आ सकते हैं और देख सकते। ओहो इधर गर्म पानी आ रहा है, प्राकृतिक पानी आ रहा है, गर्म गर्म मेहनत ये कर रहे हैं लोग, अपन ने क्या की मेहनत बताओ। कपड़े लेके आना, वॉश किया, अभी वॉश करके ऊपर लेके आएंगे। और अपने को बोल देते ठंडे पानी के अंदर कुछ करने के लिए तो अपनी हालत पंचर हो जाती है। ये भैया भी रोज से मेरी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी धुंध जैसी हो रही है क्योंकि वो गर्म पानी है इसके लिए। भैया ये पानी पी सकते हैं? ओके तो चलो यार, मेरे को प्यास लगी थी, मुझे माता रानी की कृपा से पानी मिला, पी लेता हूँ मैं। फिर होगा ये लड़की है स्नोबॉल बना रही है, थोड़ी सी चलो इनकी हेल्प करके इनका स्नोबॉल बना देता हूँ मैं जल्दी से। लो पकड़ो, आप पकड़ो, आप रहने दो, आप रहने दो, आपके पास वैसे ग्लव्स नहीं। ओहो सारी दर्जी पना यही हो जाएगा तुम लोगों का। हाथ कम गया, हाथ टूट गया। वाव इसकी छोटी सी लकड़ी से चोच बनाओ इसकी। रुको रुको, इतना स्नोफॉल हो रहा है भाई, स्नोफॉल। छोटी सी नोजी बना दो, बिल्कुल छोटी सी नोजी। नोजी कहाँ बनाई है उसकी बेचारे की मुंह पे, ये तो मासी की तरह लग रहा है कुछ कुछ। मासी की तरह लग रहा है। लैपटॉप बनाया जाए यहाँ पे, टेबल हो गई मासी की, मासी मारेगी भी बहुत। मेरे क्यों मारेगी, गुन्नू का मासी, गुन्नू ने अपनी मासी बनाई है, मासी का टेबल बनाया, उनका लैपटॉप रखा है। मासी को ये वीडियो भेजूंगी, मासी कुटर कुटर करके मारेगी। ले ओ, ऐसी टेबल रखी मासी की टूटी गई, टूट गई। लैपटॉप रखा जा रहा है कि क्या रखा जा रहा है? ये मासी के लिए गिलास। नहीं ये मासी कम गई। चलो भाई कहीं बैठ जाते हैं यार। नहीं ये मासी हो गई, ये लैपटॉप हो गया यार के काम करेंगी। और ये खाना खाती है, मासी का बर्तन नहीं है खाना खाने के लिए। ये मासी मासी को भेजूंगी। ठीक है पापा कुछ और ढूंढ के लाओ ना बेटा, हो गया चलेंगे। तू बहुत स्नोफॉल हो रहा है। ये इन्होंने अपनी मासी बनाई है, सब कुछ देख लिया। मासी मासी का लैपटॉप भेजूंगी, तभी देखना कितना मारेगी। जूड़ा बनाओ, ये मासी का जूड़ा हो गया भाई। ये देखो भैया मासी का जूड़ा चिपका दिया पीछे, कितना अच्छा जूड़ा है। और नोजी कितनी अच्छी है भाई, मस्त देखो उससे, देखो छत पर से आ रही है, ये लाइन से दिख रही है ना, ये बर्फ गिरने वाले। तो कभी आप बर्फ में आते हो ना, निकल जाएगा, कभी आप बर्फ में आते हो तो छत के नीचे कभी मत चलना। दूसरा अब यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा जुगाड़ करने जा रहा हूँ मैं, अगर सक्सेस होगा तो आपको दिखाऊंगा, मैं जुगाड़ करते हुए दिखाऊंगा, तो आपको मिलता थोड़ी देर में। रुको इनका क्या हुआ, इनके मतलब गीले हो गए थे पूरे के पूरे पैर वगैरह, क्योंकि स्पोर्ट्स पहन के आ गए थे, पता था नहीं। तो अब एक जुगाड़ करने जा रहा हूँ, वो देखो आप। और सबसे बेस्ट चीज़ है सॉक्स पहनाऊंगा मैं, फिर ये थैली है उसके ऊपर, सॉक्स के ऊपर थैली पहना के फिर शूज पहना देंगे, तो इनको ठंड फील नहीं होगी। तो देखते हैं अभी, मैं दोनों चेक करता हूँ, बताता हूँ फिर मैं। तो इनको नए शूज लेके आया था मैं,
नए सॉक्स लिया ये पहना करके थैली पहना दिया ठीक है, उसके ऊपर जो गीले थे ना वो पहना दिया। अब ये मुझे पहले पता नहीं था, मैं आपको क्यों वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कभी आप आते हो और बाई चांस आप स्पोर्ट्स शूज में चले आते हैं यहाँ पे और आपको स्नो मिल गया तो यार दोस्तों चलो मत, सबसे पहले थैली लो आप राइट, उस थैली को सॉक्स पहन करके उसके ऊपर थैली पहन के फिर ऊपर से एक सॉक्स पहन लो आप, जिससे थैली कवर हो जाएगी फटेगी नहीं वो, तो आप आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे वशिष्ठ टेम्पल है उसके पास हम बैठे हैं, इन्होंने ये बड़ा बड़ा पाव जिसे कहते हैं ये दिया और बहुत ही क्लासी लग रहा है, ये यहाँ का लोकल है और इतना टेस्टी है अंदर से कि बोलते बोलते मुंह से पानी आ रहा है और इसमें मतलब ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, रियल बहुत भयंकर और बहुत टेस्टी है, मतलब आप यू कैन नॉट यू कैन नॉट एस्केप योरसेल्फ। कितने का आया ये? ये इसने मेरे ख्याल से 60 रुपए का दिया है और इसकी चटनी मतलब आप समझ रहे हो, नहीं बोल पा रहे हैं तो इनके मुंह में कितना कितना पानी आ रहा होगा। तो खैर इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, एक ही बाइट मैंने लिया है और दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने इसके साथ, रेड मिर्ची हरी मिर्ची। तो आप आते हैं वशिष्ठ टेम्पल के लिए तो जगह है प्रॉपर बैठ के खाने वाने के लिए, मैं बाहर से दिखा देता हूँ कि जगह कहाँ से मिलेगी, आप नीचे से आओगे और इधर वशिष्ठ के लिए जाओगे, शॉप है ऐसे नाम तो इनका, यहाँ SBI का ATM लगा हुआ है, नाम हम कुछ है नहीं तो SBI का ATM है, गोलगप्पे वगैरह काउंटर वगैरह ऐसे इन्होंने लगा रखा है ATM के बिल्कुल सामने ही, तो आप आते हो तो जरूर खा के जाना, मतलब फुल पैसा वसूल है, 60 रुपये लगेंगे पर 120 रुपये का मजे आएंगे आपको, तो अपने खाओ चीज़ अच्छी है। वापस रिपीट करता हूँ, ATM मशीन SBI का उसके बगल में देखे छोड़ के आए, हाँ एक तो जरूर खाए और खा के जाए यहाँ से, होटल से सारा ना खा के आए। अब हम क्या हमारे से मिस्टेक किए, होटल में खूब दबा के चढ़ लिया हमने, पर अब हमको टेंशन हो रही है बेचारा, अगर जगह रहती तो खाते, कोई नहीं थोड़ा सा बैठते हैं थोड़ी देर में जगह बनाते हैं और खा के जाएंगे यहाँ से, मना लो भाई हैप्पी बर्थडे, ये केक कट गया गुन्नू का, नहीं ये लाइट नहीं है, लो भैया मनाली में गुन्नू का बर्थडे बन चुका है। आप मत बोलना केक नहीं कटा। तुम ऐसे इसको ऐसे कट करके ऐसे आराम से खाओ, हाथ से खाओ। चलो भाई आप इसे प्राइस देखो यार, याक चीज 130 रुपए का 100 ग्राम, ये है याक चीज, सुना है मैं बहुत अच्छा लगता है, काफी कुछ है खाने लायक इसके अंदर, तो जो ज्यादा फूडी है ना वो आते हैं तो खा सकते हैं यहाँ पे, मैं पैक हो गया हूँ तो भाई कसम से खा के जाता मेरे से, अच्छा है ना व्यू, बीच बीच में जगह है बहुत अच्छी, मतलब क्रॉस करते हैं बीच के अंदर, वैसे तो कुछ 100 से कवर रखा है, पहाड़ी बिल्कुल ऐसा रहे से काट करके बनाया हुआ है, ठीक है देखने लायक है, अच्छा है। सुनो कभी बीच बीच में कम हो जा रही है, कभी कभी ज़्यादा हो जा रही है, अभी थोड़ी कम गिर रही है, फिर जब कभी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा गिरने लग जाएगी। यहाँ है बाइक, सुजू वगैरह हैवी बाइक्स हैं, चलिए चीज़ तो ये मतलब हैवी गाड़ियाँ यही सब चीज़ें लेकर गया तो हिमालयन है, ऐसे भरा हुआ है पूरा बाइकों से, यहाँ पे एक बाइक दिख रही है ये वाली देखने, भाई साहब ये सच में गाड़ी है, ये देखो ये गाड़ी आती है 27 लाख रुपए, 27 की आती है, नहीं तो ये भी देते हो क्या आप राइड करने के लिए, नहीं सेल के लिए, अच्छा पर्सनल है, मस्त है जिसकी भी गाड़ी है मस्त है, सच में इसको हाथी ये पूरा देखने में तो ये मतलब पूरा पूरा एलिफेंट लग रहा है ये, बाकी ये सब रेंट में देते हो ना आप, वैसे मैं कार्ड दिखा रहा हूँ उसके अंदर राइट, ये कार्ड रहा किसी को बाइक रेंट पे चाहिए तो उसके लिए, तो नीचे मैं नंबर में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से वो कर सकते हो, सेटअप है इनके पास बहुत अच्छा खासा, चलो ये हो चलता है, ये मारने आता है, ये जो बच्चे शैतानी करते उसको मारता है बहुत बुरी तरह से, ये चले तो चलो चलते हैं आगे का, तो दोस्तों थोड़ी देर में हम होटल पहुँचेंगे, अभी का धीरे धीरे मौसम खुला है अगर आपको दिख रहा हो तो, वैसे देखो तो शांत आवाज़ जो आ रही है ना ये आवाज़ है नदी की, यहाँ पे हल्का सा धुंध खुली है तो पहाड़ दिखना शुरू हुआ है, दिखाऊंगा बाकी की चीज़ बाद में,
थोड़ा सा व्यू था यार जो मैं से पिछले बार मिस हो गया था। मैं मजे थे भाई ले रहा है बर्फ कूद करके। वैसे यू पर पहाड़ जो प्रकृति के पूरा मिट्टा निकला हुआ है तो मस्त यहाँ पर बर्फ वगैरह सब गिरी हुई है तो वो चीज़ है। देखो गुन्नू के फ्रेंड्स गुन्नू से मिलने आए हैं। और ये गुन्नू के पापा और गुन्नू क्या बना रहे हो? स्नोमैन। गुन्नू बोल रही थी अपनी मासी बनाएगी। गुन्नू इधर फेस करो, बनाओ ना। देखो पापा बना तो रहे हैं। आप रखो, हाँ इसका खोपड़ा बनाओ। कितनी मोटी नोसी। नहीं बड़ा सा बनाएंगे। ये सही है। लो जूड़ा ही तोड़ दिया मासी का। रखो 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 रखो। अभी रखते हैं। बैठ जाओ उधर। फोटो ले लो। हैं? गुन्नू की नानी की ब्लैक नोजी क्यों है? हाँ हाथ सुन जा रहे दूसरा बना। दोस्तों घूम फिर करके आ गए। बोलते देखो ठंड, मतलब बोलते बर्फ पर ठंड लगती है पर रियलिटी में ठंड तो नहीं लग रही है। बोलो मुझे ठंड लग रही है, मतलब है भी ठंड पर नहीं भी है। घूम फिर के आए हैं, कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं फिर से, तो बिस्तर बैठता हूँ, गर्म होते हैं आराम से थोड़ा सा, मतलब भाग गए। अगर ठंड लगी भी होगी तो नॉर्मल हो जाएगी, वो करते हैं। ये जो सामने पेड़ है ना ये बात, इस पर बर्फ गिर रही है बर्फ नीचे, तो देखते आगे क्या कर सकते हैं। ये तो थोड़ी देर तक बैठते हैं बिस्तर के अंदर, फिर आपसे आके मिलते हैं। Thank you.